जी गुड मॉर्निंग। कितना सुंदर लग रहा है ना ये घर। अरे ये चप्पल, मंगल मूर्ति मौर्या, बप्पा बप्पा मौर्या, गणपति बप्पा मौर्या, गणपति। क्या है जी, आ जाओ। नीम का पेड़, मॉर्निंग में कर्नाटक का पहला नाश्ता उपमा। सारे सत श्रीकाल, नमस्ते आदाब, आप कैसे हो जनाब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आपने पार्ट वन ब्लॉग तो देखा ही होगा, तो अनय जी अभी तक ऐसी रहने वाली है थोड़े दिन, जब तक गुड न्यूज़ नहीं मिल जाती जट प्रभजोत की ठीक होने की, वो वापस आ जाए अपने माँ बाप के पास। और क्या बोलूँ, तो आ जाना चाहिए यार। तो ब्लॉग शुरू करते हैं गाइस, आज भी इसी ठंडी ठंडी एनर्जी से देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है, कौन कौन से गांव में जाते हैं। तो चलते हैं गाइस अपने नए सफर पे। तो ये है बेलगाम, बेलगाम का गांव, गांव का नाम आप जान के क्या करोगे। और वो देखिए खेतों के बीचों बीच घर में मजे ले रहे हैं ना किसान फार्मर्स, और ये रहे गन्ने के खेत। तो अभी मैं गन्ने के खेत में से भूल भुलैया से जा रहा हूँ आगे, कहीं पता नहीं कहाँ निकलेंगे जाके। पहुँच गए, अरे वाह जल्दी आ गए। इतने मोटे मोटे चीटियाँ, मतलब कीड़े, एंट काट दिया इधर इधर, पूरा मेरे को काटा इधर, शर्ट उतार के मैंने लिटरली झाड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ घुस गए थे यार। बहुत जोर से काटा, बहुत सारे, मतलब ऐसे झुंड बना के मेरे ऊपर चढ़ गए थे, इधर काटा इधर काटा इधर काटा, बहुत बहुत चीटियों ने काटा मुझे। तो हमारे लिए आया जी खेत से ताजा ताजा गन्ना, तो गन्ना चूसेंगे अपन। वो छोटे वाला ये ठीक है, ठीक है ठीक है, चूसेगा आधा ले लेना पूरा, मैं भी कहाँ चूसूंगा, आधा ले ले, आधा लेगा नहीं लेगा नहीं है तो मैं अकेले खा लूंगा। चल वीडियो बना फिर, बन रही है रिकॉर्डिंग ऑन। फास्ट बहुत मीठा आ रहा है, बहुत मीठा, वैसा वाला नहीं है, महाराष्ट्र जैसे वाला महाराष्ट्र में खाए थे आप, बहुत मीठा। पता है रास्ता? हाँ चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट वाला है ना, वो तो गन्ने का खेत कम और जंगल जंगल ज्यादा लग रहा था। मैं क्या, गन्ने का खेत कम जंगल लग रहा था, यही है। ओ ये जल गया। आगे जी गन्ने के खेत में जो जंगल लग रहा था, फ्रंट से दिखाता हूँ। तो जहाँ से घुसे थे वहीं से ही वापस जा रहे हैं आगे बाहर। अब चलते हैं दूसरे गांव में। और ये देखो गाइस, कीड़ा, गाड़ी में कीड़ा बैठा हुआ है। बैल तो आपने देख लिए, ये देखिए पपीते का बाग,
तो यहाँ पे लगे हुए हैं बहुत सारे हरे हरे पपीते। वैसे तो कहानी है ना पीले पीले पपीते, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, लेकिन अभी कच्चे हैं। यहाँ से जाएंगे मार्केट में, फिर पक जाएंगे, पीले हो जाएंगे। बहुत सारे हैं गाइस, बहुत दूर तक हैं। कहाँ लेके जाऊँ आपको, देखा ना आपको कहाँ कहाँ घुमा देता हूँ, क्या क्या दिखा देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अभी दिखाएं पपीते, थोड़ा सा करते हैं काम, नहीं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं काम, करते हैं गाइस, लग जाते हैं मजदूरी में। तो 6 बज चुके हैं गाइस, अंधेरा हो गया है, और यहाँ पे शूटिंग भी अपनी पैकअप हो चुकी है। और बस आज दूसरा गांव था, लेकिन उतना शूट में मज़ा नहीं आया, बहुत सारी प्रॉब्लम थी आज। लेकिन एक चीज़ मेरे को नज़र आ रही जो मैं आपको दिखाऊँगा, सामने एकदम फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ, वो देखिए। एक्चुअली अंधेरा बहुत ज़्यादा है ना, तो इतना क्लियर दिखेगा नहीं। बकरियां हैं उसमें बाड़े में। तो अब चलते हैं एक और नई सिटी में, बेलगाम से दूर। अभी कहाँ जाना है हमने? बीजापुर। बीजापुर तो हम जा रहे हैं बीजापुर। इवनिंग में पूरा सफ़र रहेगा, कितने बजे पहुँचते हैं वो देखना पड़ेगा गाइस, ब्लॉग में बने। और आज है ना नुकसान भी हो गया है, एक बहुत बड़ा नहीं है लेकिन नुकसान तो नुकसान ही होता है। पैंट फट गई गाइस, दिखाता हूँ आपको। पता ही नहीं चला, रात को इतना लेट हो गए थे और आके ना सो गए, तो ब्लॉग एंड किया नहीं। तो इस होटल में ठहरे थे, ये रहा रूम, अब तो ठीक ठाक हो चुका है। तो व्लॉग को गाइज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।